हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना सोलो और से सोलो का गेम प्ले दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में अपने गंजो वाले कैरेक्टर का भी यूज करूंगा और ये गेम प्ले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह पर लैंड करता हूँ और जल्दी से लैंड करने के बाद मैं यहाँ पे गन को ढूंढता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे गन को ढूंढ रहा होता हूँ, इतनी देर में मेरे पीछे यहाँ बंदा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से गन को ढूंढ रहा होता हूँ लेकिन ये बंदा मेरा यहाँ पे पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक शॉटगन मिलती है और उसके बाद देखना मैं यहाँ बंदे को कैसे मारता हूँ। यहाँ पर मुझे शॉटगन मिल जाती है तो इस बंदे को मैं यहाँ पे क्लोज रेंज में ले आता हूँ और इसी का फायदा उठा के मैं इस बंदे को यहाँ पे दो शॉट में मार देता हूँ। Oh my God! Wow! तो अब मेरे को यहाँ पे कोई भी बंदा और नहीं दिखता। तो यहाँ पे मैं अब आराम से सामान को लूटता हूँ फिर यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाता हूँ। सो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर बंदे के फुटस्टेप दिखते हैं। तो देखना मैं इस बंदे को यहाँ पे कैसे मारता हूँ। तो ये बंदा मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ मिल जाता है और इस बंदे को मैं काफी आसानी से यहाँ पे मार देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए। सो गाइस, सीढ़ी से उतर के मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो इतनी देर में मुझे यहाँ सामने से बंदा आता हुआ दिखता है। तो इस बंदे से भी मैं यहाँ फाइट लगे इसे भी यहाँ आसानी से मार देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप किसी भी बिल्डिंग में यहाँ पे घूम रहे हो तो आप अपने साथ हमेशा एक शॉटगन साथ में रखना क्योंकि शॉटगन काफी ज्यादा काम आती है क्लोज रेंज में। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ शॉटगन का यूज करके काफी आसानी से यहाँ बंदों को मारा है। तो यहाँ पर मुझे अब एक और बंदे के फुटस्टेप दिख रहे होते हैं लेकिन इस बंदे को मैं यहाँ काफी देर तक ढूंढता हूँ और ढूंढने के बाद इस बंदे को भी मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ। सो गाइस, चलते हैं अब और बंदों की तरफ यहाँ से रश करने के लिए। अभी भी मैं कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही होता हूँ तो जैसे मैं यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ एक बंदे का और फुटस्टेप दिखते हैं। तो इस बंदे को भी मैं यहाँ आराम से शॉटगन से मार देता हूँ। सो गाइस, मैं कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी क्लास को आके अपग्रेड करता हूँ। तो क्लास को अपग्रेड करने के बाद मैं यहाँ से गाड़ी को लेता हूँ तो और बंदों की तरफ यहाँ से रश करने के लिए निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है तो यहाँ पर मैं गाड़ी से उतर के इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो ये बंदा मेरी गाड़ी से यहाँ पे मर जाता है और यहाँ पर मेरा किल खराब हो जाता है। सो गाइस, अब मैं यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो मुझे यहाँ बंदे के फुटस्टेप दिखते हैं। तो जल्दी से मैं बाइक से उतर के इस बंदे पे भी यहाँ मैं रश करके इसे भी यहाँ खत्म कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ सामने की तरफ से फायरिंग की आवाज आती है तो इस वाले बंदे पे भी मैं यहाँ रश करके इसे भी यहाँ खत्म कर देता हूँ। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देखना मुझे यहाँ पे लगातार बंदे मिलते ही जाते हैं और मैं उन सारे बंदों को यहाँ कैसे मारता हूँ। यहाँ पर आके मुझे एक के बाद एक बंदे मिलते ही जाते हैं तो इन सारे बंदों को यहाँ मैं देखना कैसे मारूंगा। सो गाइस, यहाँ पर मैं इन सारे बंदों को मार देता हूँ और यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए निकल जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बाइक को लेके और बंदों को यहाँ पे ढूंढने के लिए निकलता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई मिलती है तो यहाँ मैं जल्दी से बाइक से उतर के इस बंदे पे रश कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इन दोनों बंदों को भी आसानी से मार देता हूँ। तो चलते हैं अब यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए। सो गाइस, जैसे मैं इन दोनों बंदों को मार के सामने की तरफ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक और बंदा मिलता है। तो इस वाले बंदे को भी मैं यहाँ रश करके इसे भी यहाँ साइन से मार देता हूँ।
मजा आया। सो गाइस जल्दी से चलते हैं अब यहाँ से बंदों की तरफ रश करने के लिए, क्योंकि अब काफी कम बंदे बचे होते हैं और जोन भी काफी छोटा हो चुका होता है यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर मैं स्नाइपर टावर वाली जगह पर आके चढ़ जाता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर चढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ बंदे के पैरों की आवाज आती है। तो यहाँ पर एक बंदा ऊपर से कूद के मेरी तरफ रश करने के लिए आता है, तो देखना इस बंदे से मैं यहाँ पर फाइट लेता हूँ और इस बंदे को भी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। सही खेल गया वैंच। सो गाइस चलते हैं अब यहाँ से और बंदों की तरफ रश करने के लिए। सो गाइस जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका होता है, तो मैं न्यूक टाउन वाली जगह पर आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे यहाँ बंदे के फुटस्टेप दिखते हैं और इस बंदे को मैं बाहर निकल के रश करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन मैं जैसे इस बंदे पे यहाँ पे रश कर रहा होता हूँ तो मैं यहाँ इस बंदे को मारते मारते बीच में रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा यहाँ पे मर चुका है, लेकिन मेरी गलती की वजह से यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं अपनी गलती की वजह से मर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थर्ड आता हूँ। लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद मुझे यहाँ पे एक बैटल पास से स्किन मिलती है, तो देखना आप मुझे यहाँ पे कौन सी स्किन मिलती है। सो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।